अस्सलाम वालेकुम एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू ओशन लाइफ स्टाइल एंड इंडियन ब्लॉगर। सो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, सब खुश हैं और आप सबकी दुआओं के साथ मैं और मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। सो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है वो मैंने स्टार्ट किया था अपनी छत से, टेरेस से, तो बहुत अच्छा व्यू लगता है और मौसम जो है काफ़ी मतलब बदलाई हो रही है, बारिश हो रही है, तो है ना बिल्कुल धूप नहीं निकल रही थी, तो बस मैं वही आपको दिखा रही थी यहाँ पर। और आप लोगों के यहाँ पर कैसा मौसम हो रहा है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। सो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, तो बिना स्किप किए देखिएगा ब्लॉग को और पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं अलिश्का भी ऊपर ही थी हमारे साथ में, तो बस यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए आई हुई थी छत से व्यू। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये मैंने मिर्च निकाल कर रखी हुई थी क्योंकि बहुत टाइम से मम्मी के फ्रिज में रखी हुई थी, तो मैं सोचा इनका निकाल कर अचार डाल देती हूँ तो मम्मी की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने मिर्च निकाल दी थी, अच्छे से इनको वॉश करके साफ़ कर लिया था और सारे मसाले भी जो है मैंने निकाल कर रख लिए हुए हैं जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और कढ़ाई में तेल जो है वो भी अच्छे से गर्म हो गया था, तो बस इसको गर्म करके ठंडा करना होता है और उसके बाद में सारे मसाले इसमें डाल करके अच्छे से भुन लेंगे और उसके बाद जब मसाला ठंडा हो जाएगा फिर इसको मिर्ची के अंदर अच्छे से भर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ अपने पापा के साथ में मार्केट क्योंकि मम्मी को है ना सब लोगों की विदा करनी थी कि मतलब जो जो हमारे घर पे आता है तो उसको रिटर्न गिफ्ट दिए जाते हैं, तो उसी के लिए ही मतलब मैं जा रही थी अपने पापा के साथ में मार्केट सारी शॉपिंग करने के लिए। तो मम्मी तो बहुत बिजी थी घर पे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम ही चली जाओ पापा के साथ में और जो जो सामान हमने बताया वो ले आओ जाकर और वहीं की वहीं सबको दे भी आना उनके घर पर। तो व्लॉग को पूरा देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग है, बिना स्किप किए देखिएगा और क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है व्लॉग में आपको आगे, क्योंकि सबकी विदाई हम मतलब इसी ब्लॉग में मैंने आपके साथ में शेयर की हुई है। मेरी छोटी सिस्टर की भी विदा जो है मैंने इसी में ही शेयर की है, तो देखिए आप लोग भी। सो बस यहाँ पर हम लोग आ गए हैं शॉप पर क्योंकि हमें यहीं से ही सारा सामान जो है परचेज़ करना है, जो भी गिफ्ट आइटम वगैरह होते हैं ना वो यहाँ से हम लोग लेते हैं। काफ़ी अच्छी शॉप है, बहुत अच्छा जो है ना सामान यहाँ पर मिलता है। और एक मम्मी गिफ्ट ये लेकर गई हुई थी तो उन्होंने कहा अगर इस तरीके का मिल जाए तो ऐसा ले आना, नहीं तो अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद आए वो ले आना। तो बस मैं यहाँ पर आपको मतलब उनकी जो शॉप है ना मार्केट में वो काफ़ी अच्छी है, तो उसी का ही एक लुक दिखा रही थी कि किस तरीके की इनकी शॉप है। तो सारा जो है ना सामान एक ही शॉप में आपको अवेलेबल है, यहाँ पर सारे कप वगैरह आपको देखने को मिल रहे हैं और गिफ्ट आइटम्स, तो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो हमने गिफ्ट जो है वो निकलवा ली थी, तो ये है हमने 7-8 पीस निकलवाए हुए थे, इसमें 3 बोल का सेट था, वो मैं आपको दिखाना भूल गई यहाँ पर, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की थी, बस मैंने यहाँ पर बॉक्सेस की थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की हुई थी आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। तो मतलब इसमें जो है ना बोल्स थे और ये 150 रुपये का पीस उन्होंने एक दिया हुआ था और माइक्रोवेव सेफ थे, तो मतलब उसको माइक्रोवेव में भी हम यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर हम लोग अब जा रहे हैं, हमने सारी शॉपिंग करा के कर ली थी और उसको पैक करा लिया था, तो बस मैं और पापा हैं साथ में। यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं कि पापा फ्लैश चला लो थोड़ा सा, ये फूफी बैठी हैं, दे दो बाबा फूफी को गिफ्ट उनका। सो फ्रेंड्स, हम लोग आए हुए हैं, ये मेरी फूफी हैं, तो उन्हीं को पहले उन्हीं के घर पर ही हम लोग आए हुए थे गिफ्ट देने के लिए, और ये जो है ना उनकी बहू हैं और ये मेरी अप्पी भी लगती हैं, तो बस उनको दे दिया। और एक और उनकी बहू थी तो वो घर पर नहीं थी, तो हमने यहाँ पर दे दिया था गुड़िया भाभी का गिफ्ट उन्हीं की सास को मतलब फूफी को। तो बस इसके बाद में हम लोग इनके घर से यहाँ पर आ गए थे, ये हैं मीनू बाजी, उनके घर पर हम लोग आए हुए थे और उनको दे रहे थे गिफ्ट उनका। तो ये सभी लोग जो हैं वो छठी में आए हुए थे, तो उनको हम लोग रिटर्न गिफ्ट यहाँ पर मम्मी बंटवा रही थी सभी लोगों के लिए।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो रही है मेरी छोटी वाली सिस्टर की जाने की तैयारी। तो उसी के ही टिफ़िन के लिए मम्मी यहाँ पर ये वाले आलू बना रही हैं, क्योंकि वो मोस्टली जब भी यहाँ से जाती है ना, तो यही वाले आलू बना करके लेकर जाती है। और उसे बहुत पसंद है, उसके घर में भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं मम्मी के हाथ के ये वाले स्टाइल में बने हुए आलू। पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत ही सिंपल बनाती है मम्मी, लेकिन बहुत टेस्टी लगते हैं उसको भी। और मतलब मैंने खाया तो मुझे भी बहुत अच्छे लगे। तो वो कहती है कि मैं इस तरीके की बनाती हूँ, लेकिन ऐसा स्वाद ही नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ में भी ये शेयर करती हूँ, तो किस तरीके से मम्मी बनाती हैं। तो बहुत ही सिंपल मेथड रहता है मम्मी का, लेकिन क्या होता है ना, किसी किसी के हाथ में टेस्ट वाली बात होती है, तो बस वही बात है। तो मम्मी के हाथ में बहुत ज़्यादा स्वाद है माशाल्लाह। मतलब कुछ भी चीज़ जो है मम्मी बनाती हैं बहुत ही टेस्टी बनती है, चाहे वेज हो, नॉन वेज हो, कोई भी डेजर्ट हो, काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है मम्मी के हाथ का। तो बस यहाँ पर उसी के ही जाने की जो है तैयारी चल रही थी, क्योंकि अब उसकी आज ट्रेन है और वो निकलेगी भोपाल के लिए। भोपाल में रहती है, जैसे कि मैंने आपको कई बार अपने वीडियोस में भी बताया। तो आगे बनी रहिएगा व्लॉग के साथ में, कहीं मत जाइएगा छोड़कर। तो बस देखिए आज का व्लॉग, और पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये है मेरी पप्पी। तो ये पप्पी मेरी, जैसा कि आपको मैंने बताया था छठी वाले ब्लॉग में इंट्रोड्यूस करवाया था, तो ये मेरी पप्पी हैं, ग्वालियर से आई हुई थी। तो नेक्स्ट डे मतलब वो जा रही थी, तो यहाँ पर एक छोटी सी क्लिप थी वो शेयर की मैंने। जा रही है, ये देखो गई। यहाँ सब चाय पानी चल रहा है, ये देखो यहाँ जाने की तैयारी चल रही है। चलो ये लोग जा रहे हैं, यहाँ हो रही है जाने की तैयारी, विदाई हो रही है इनकी और इनकी दोनों। नहीं चलो आ गए सब, यहाँ इनके बैग सारा कुछ रेडी है। ये भी रेडी है या नहीं, आर यू रेडी? ये बैग इनका रेडी है। हम लोग स्टेशन पर आ गए। अमान क्या हो रहा है यहाँ पे, जा रहे हो कहाँ पर जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो अमान, बताओ ना कौन से घर किसी और से घर जा रहे हैं। ये देखो डबरा स्टेशन पे यहाँ सब बैठे हैं जाने की तैयारी। डबरा का स्टेशन, पापा कहाँ जा रहे हो नैनी? तो हम जा रहे हैं भोपाल। इधर तो कर ले, इधर जा रही हो वो सीन, इधर तो कर ले यार। अभी है यहाँ पर ट्रेन में आने में थोड़ा सा लेट है, तो यहाँ पर मैं सोचा आपको दिखाती हूँ व्यू। ये देखिए यहाँ रेलवे क्वार्टर्स बने हुए हैं, ये देखिए कितनी अच्छी कॉलोनी बनी है यहाँ की, देखो काफी अच्छा स्पेसफुल। पहले यहाँ पे वो होता था पार्क होता था, पूरा पक्का हो गया यहाँ पे, पूरा अच्छा खूबसूरत सा पार्क था यहाँ। ये छोटा सा स्टेशन है बट अच्छा है, साफ सुथरा काफी अच्छा। ये देखिए कॉलोनी कितनी अच्छी बनी है।